To earn. Thank you, Hurst, for reminding me to record the session. And here we have the format of balance sheet. Now, in balance sheet, we have various assets cash in hand, cash at bank, bills receivable, debtors, loans given when we give money to someone.

टेंट फॉर एनी बिजनेस बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक दो चीज को चेंज कर सकता है okay? so अगर बढ़ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी मोर ओके एंड लेट मी शेयर विथ यू द फैक्ट सोल प्रोपरेटर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स में छोटे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक का जो हिसाब होता है वो एकदम परफेक्टली मेंटेन नहीं किया जाता उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं तो अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो स्टॉक बढ़ा दो अगर प्रॉफिट कम करना है तो क्लोजिंग स्टॉक कम कर दो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड

एक सीए या फिर उसकी ऑफिस से कोई आदमी रहेगा और कंपनी के लोग हर चीज को एक एक करके एक एक करके काउंट करवाएंगे कि इतनी गुड्स है हमारे गोडाउन में एक्चुअली में उतने गुड्स है कि नहीं वो फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है तो नाउ प्लीज टेल क्यों कंपनी में ऐसा कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन शुड बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों क्लोजिंग स्टॉक को इतना इंपोर्टेंस दिया गया है वट रीजन आई जस्ट नाउ सेड विथ यू क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर निगरानी रखी जाती है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज समथिंग जो आपके अकाउंट को इजीली चेंज कर सकता है स्टॉक ज्यादा बता दो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा स्टॉक कम बता दो प्रॉफिट कम हो जाएगा आर यू क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इट विल अफेक्ट टू थिंग्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी लिखा जाता है एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो योर एसेट सो इट ऑल्सो अफेक्ट योर एसेट साइड ओके देन वी हैव लोज टूल्स ये मशीनरीज एंड टूल्स जो होते हैं का बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाई क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड वाइस ओके, okay. सो so, देखो मैं बताता हूं कि बेसिकली वेन वी हैव ट्रायल बैलेंस वेन वी आर गिवन ट्रायल बैलेंस सो इन ट्रायल बैलेंस आई हैव ओपनिंग स्टॉक प्लीज नोट ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक लिखा होता है डेबिट साइड में देन आई हैव परचेस देन आई हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर लेट से वेजिस एंड आई हैव सेल्स मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक है टेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मुला मैं आपको बता रहा हूं परचेसिस है लेट से फिफ्टी डायरेक्ट एक्सपेंसिस है लेट से फिफ्टीन एंड Sales here, for example, ninety. Let's say, for example, there is one concept. It is called cost of goods sold. It is called COGS. Cost of goods sold. और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड वी कैन फाइंड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा होता मैंने शायद पहले भी आपको बताया था बिकॉज वाई क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिटर्न मैं रिपीट करता हूं ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता बिकॉज जो ओपनिंग परचेसिस जो है ओपनिंग प्लस परचेस इसी में आपका क्लोजिंग स्टॉक छुपा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक और purchases, ये वैल्यू है बराबर इसके कुछ यूनिट्स होंगे और जो बेचे हैं उसका सेलिंग प्राइस यहां पर है जो नहीं बेचे हैं बराबर वो ऑलरेडी इसमें तो काउंट हो गए जो बेचा है या नहीं बेचा है दोनों ही किस में इंक्लूडेड होते हैं ओपनिंग प्लस परचेसिस में तो इन द ट्रायल बैलेंस वी कैन फाइंड थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से वी कैन फाइंड कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मुला ध्यान से समझो हायर स्टैंडर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीओ जी एस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसिस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस ओके वे आई से डायरेक्ट एक्सपेंसिस तो उसमें वेजिस भी आ गया एंड कैरेज इनवर्ड भी आ गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक सो ये फॉर्मूला आप सबको खास ध्यान रखना है स्ट ऑफ गुड सोल्ड अब आप सोचोगे सर ये कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड वी नो चलो ओपनिंग प्लस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग बट हाउ केन वी फाइंडिंग अकाउंट ये ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे मिल सकता है तो लेट मी शेयर विथ यू द फैक्ट हियर यू आर एबल टू सी दिस फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ओके अब देखो आई एम हाईलाइटिंग वन थिंग ये है ना ओपनिंग स्टॉक परचेसिस डायरेक्ट एक्सपेंसिस में है ओके okay? एंड अब अपार्ट फ्रॉम सेल्स नो दिस आइटम्स आर हियर क्लोजिंग स्टॉक इज हियर लॉस तो कभी कभी ही होता है तो दिस विल गिव मी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सेल्स को छोड़ के पूरा आप क्या है

और ये जो दोनों आइटम है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड है तो दिस माइनस दिस इट विल गिव यू ऑफ़ सोल्ड इसको एकदम सिंपल टर्म्स में मैं आपको रिफ्लेक्ट करके बताता हूँ लेट से इट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट ओके चलो कुछ ही अगर आइटम्स है आई हैव लेट से ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक मैंने दिया है टेन देन आई हैव परचेिस परचेज है फिफ्टी देन आई हैव डायरेक्ट एक्सपेंसिस वेजिस या कैरे कोई भी नाम दे दो वो है फिफ्टीन एंड अज्यूमिंग के कोई स्क्रेप नहीं है ओके okay. एंड यहां पर मेरे पास सेल्स है एंड हेयर आई विल हैव क्लोजिंग स्टॉक तो दिस पोर्शन ओपनिंग प्लस परचेसिस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस गुड्स जो मैंने सेल की है उसका कोस्ट मुझे पता चलेगा क्योंकि ये तो क्लियर है कि दिस इज कॉस्ट ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कोस्ट है बट क्लोजिंग स्टॉक देखो यू नीड टू कंपेयर एप्पल विथ एप्पल एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते तो ये जो सेल्स है वो जो गुड्स बेचा है उससे पैसे कमाए हैं तो जो कॉस्ट है वो कोस्ट टोटल होना चाहिए या सिर्फ गुड्स जो सोल्ड है उसी का कोस्ट होना चाहिए आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगर हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो है ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ये खर्चा है टोटल गुड्स का जिसमें से कुछ गुड्स बेची नहीं गई है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना जरूरी है क्योंकि ओनली आपको रियल प्रॉफिट पता चलेगा ओके okay? अगर आप टोटल खर्चे को टोटल गुड्स को कंपेयर करोगे सेलिंग प्राइस ऑफ ओनली फ्यू गुड्स तो जो गुड्स अनसोल्ड है उसकी वजह से आपको लगेगा कि आपने कम प्रॉफिट किया है या लॉस किया है तो क्लोजिंग स्टॉक नीड्स टू बी डिडक्टेड बिकॉज

of the goods which you have sold, then what you need to minus, what you need to deduct, closing stock. Okay, so closing stock agar uh, record nahi karoge तो शायद आपको क्या है यहाँ पर profit की जगह पर loss दिखेगा. So it is necessary to deduct the closing stock. Uh, चलो एक simple example भी मैं आपको बता देता हूँ. चलो 50 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 15 कितना होता है 75 ओके okay. अब 75 में से व्हाट आई हैव डन प्रैक्टिकली ऊपर देखिए 75 का खर्चा किया 75 फाइव इज माई कोस्ट प्राइस उसमें से पचास रुपीज की कोस्ट प्राइस की गुड्स थी जो मैंने बेच दी अस्सी रुपीज में तो मुझे बताओ अनसोल्ड अनसोल्ड कितनी होगी गुड्स विच आर नॉट सोल्ड ट्वेंटी फाइव यस अनोल्ड इज ट्वेंटी फाइव अगर मैं यहां पर अब मुझे प्रैक्टिकली बताओ पचास की चीज अस्सी में बेची तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए हाउ मच शुड बी द प्रॉफिट फिफ्टी की चीज है टोटल सेवेंटी फाइव का खर्चा किया है कोस्ट प्राइस टोटल कोस्ट इज डेबिट साइड 75 उसमें से 50 की चीज 80 में बेची है तो व्हाट शुड बी माय प्रॉफिट थर्टी रुपीस यस और नो अरे कोई तो बोलो ओके सो माय प्रॉफिट शुड बी थर्टी लेकिन अगर मैं स्टॉक लिखता ही नहीं हूं अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखता ही नहीं हूं एंड इफ आई क्लोज दिस अकाउंट तो देखिए क्या होगा यहां पर एटी है यहां पर एटी है और यहां पर मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट नो दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट माइनस डेबिट अगर मैं स्टॉक नहीं लिखता हूं तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला फाइव जबकि पचास की चीज अस्सी में बेची है तो प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था? थर्टी. तो ये प्रॉफिट मेरा पच्चीस रुपीस से कम क्यों हुआ वट इज रीजन किया ओके. हाँ. Okay, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना जरूरी है अगर आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे तो क्या आपको प्रॉफिट प्रॉपर मिलेगा नो no. देखो आपके सामने एग्जांपल है पचास की चीज अस्सी में बेची है पच्चीस की तो चीज बेचनी बाकी है तो जो बेचनी बाकी है वो हमारा एसेट है कि नहीं लावण्या? कैन बी सेल इन नेक्स्ट ईयर यस तो अनसोल्ड गुड्स आर एक्चुअली टू बी रेकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड टू find करने के लिए आपको ट्रेडिंग लिखना जरूरी है तो so, आई आपको ये आंसर क्लियर हो गया कि हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं अगर नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि ये चीज सेल्स जो है उसको कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ टोटल कॉस्ट लोगे तो इट विल गिव यू पिक्चर क्योंकि टोटल में से कुछ चीजें तो नहीं बिकी है एंड दिस गुड्स कैन बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर एसेट तो उसको हम एसेट साइड में भी बताएंगे तो खास ध्यान रखो एग्जाम में मैं पूछने वाला हूँ जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक कोई मुझे बताएगा वॉट शुड बी द जर्नल एंट्री सो प्लीज नोट डाउन क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट डेबिट वाई डेबिट बिकॉज इट इज माई एसेट ओके इसको एसेट साइड में बताऊंगा टू विच अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट यस तो दिस इज द जर्नल एंट्री विच वी पास फॉर क्लोजिंग स्टॉक

अब उसको वेरीफाई करने के लिए इनकम टैक्स वाले अंकल बाद में आएंगे तो यू हैव द रीजन कैन यू जस्टिफाई कि भाई स्टॉक एक्चुअली में कम था उस दिन इट इज़ इजी तो क्लोजिंग स्टॉक को मानोपुलेट करना इजी है ओके okay? ध्यान रखिए तो समथिंग प्रैक्टिकल ऑल्सो यू आर लर्निंग दैट्स गुड आपके ना दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए सो अकाउंटेंसी इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यू शुड लर्न इन ए प्रॉपर वे देन वी हैव फर्नीचर प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग एंड ट्रेडमार्क्स नाउ दिस पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर योर एसेट्स लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल दिस आर आई पी आर कैन संबड़ी टेल मी द फुलर

उट माई परमिशन रजिस्टर्ड तो उनकी रेसिपीज कुछ है जो उन्होंने अपने नाम से पैटेंट करवा ली है कार मैन्युफेक्चरिंग कंपनी इंजिन की डिजाइन कार की डिजाइन अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं सो देट अदर पर्सन कैन नॉट कॉपी तो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स के लिए खर्चा लगता है मेहनत लगती है रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस पे करनी पड़ती है तो ये जो भी आपने खर्चा पे किया है टू गेट दिस थिंग पेटेंटेड और ट्रेडमार्क इन योर नेम विल प्रोटेक्ट यू ये आपके लिए एसेट है बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट यू एंड योर बिजनेस अदर कैन नॉट कॉपी योर प्रोडक्ट एंड हेंस ये हमारे एसेट्स है इसके ऊपर खर्चा किया वो बेकार का है या इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी होगा बेनिफिट होगा फ्यूचर में तो डिफरेंस पीस बिटवीन एक्सपेंस एंड एसेट इज दिस एक्सपेंस का बेनिफिट इज अवेलेबल टिल वन ईयर बट एसेट का बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर मेनी इयर्स चलो मैं पूछता हूँ यू आर इन यू आर एक्चुअली मेकिंग इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन सो एजुकेशन इज एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बट आई कैन से हर एक के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कुछ जन के लिए एक्सपेंस भी होगा इन्वॉल्विंग योर ब्रेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज यू आर जस्ट पासिंग आउट यू आर नॉट है फंडामेंटल नॉलेज तो देन एडुकेशन आपके लिए क्या बन जाएगा एक्सपेंस येस डेफिनेटली सो प्लीज नोट कोई भी चीज एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट है इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट ओके डिपेंड्स ऑन यू से उसको फ्यूचर में प्रॉफिटेबल करते हो इसलिए कहते हैं एडुकेशन को एक्सपेंस मत बनाओ अच्छे से सीखो परफेक्टली सीखो सिर्फ थियरी नहीं प्रैक्टिकल भी सीखो ट्राई टू तो थिंक लाइक ए प्रो ओनली धैन दिस विल बी इन्वेस्टमेंट फॉर यू ओके मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि you know, uh, uh, so so, uh, यू नो यू आर गेटिंग अ पर्सन फ्रॉम द प्रैक्टिकल फील्ड एंड एक्सप्लेनिंग सो मच ऑफ डिटेल देन 22 आउट ऑफ फिफ्टी सो दिस इंडिकेट्स आर ही प्रॉब्लम तब होगी वैन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और यू वर्क इन ए कंपनी एट दैट टाइम यू रियलाइज दैट मेनी occasions your mind is not capable to grasp the things well so, okay so discuss about liability side liabilities are having credit balance so we have creditors bills payable bank balance is asset but bank overdraft is our liability then employees provident fund yes provident fund isko hai, PF is very गुड कंसेप्ट इन इंडिया पी एफ में क्या होता है तो जो बॉस है वो भी थाउजेंड रुपीज कट करेगा एंड वो अलग जमा करेगा ओके सो एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड में वॉट एवर मनी इज थे इट बिलोंग्स टू वो ओनर या

देन वी है रिजर्व फंड अब इसमें खास ध्यान रखना है पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर कॉल्ड रिजर्व ओके तो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं बराबर वो पास्ट के अगर हो तो देन इट इज अच्छा एंड हियर वी हैव कैपिटल कैपिटल मीन्स पेबल टू वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस सो बिजनेस नीड्स टू पे टू ओनर्स क्या पे करना है कैपिटल वट एवर द कैपिटल इज अमाउंट पेबल द बिजनेस टू द बिजनेस मैन ओनर्स को पे करना है एंड प्लीज नोट जो भी नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट मिलेगा इट हैज़ बी एडेड वी टू कैपिटल सीधी बात है ये नेट प्रॉफिट है ये किसकी मेहनत से हुआ है इट बिलोंग्स टू वोम Yes, तो owners ने मेहनत की है, then there is not profit, तो net profit ultimately किसको pay करना है? Owners को करना है। तो capital में हम add करते हैं net profit, and another thing which we add is the interest on capital. Interest on capital, capital यानी businessman ने अपने पैसे लगाए हैं। अगर bank से पैसे लेते, तो bank को pay करना पड़ता। तो अगर बिजनेसमैन ने पैसे दिए हैं बिजनेस को तो बिजनेस शुड आल्सो पे टू द बिजनेसमैन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कंपलसरी बट इट इज पॉसिबल अगर आप क्या है चार्ज करना चाहते हो अगर एज ए बिजनेस यू वांट टू रिकवर इंटरेस्ट ऑन योर कैपिटल देन यू कैन एंड कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करेगा बिकॉज नली रियल प्रोफिटेबिलिटी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब जो पैसे लगाए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिएगा मिलना ही चाहिए इन एनी बिजनेस ओके एंड फाइनली वी है दिस थिंग्स ड्रॉइंग्स वी ऑलरेडी नो अपोजिट ऑफ कैपिटल पैसे निकाल लिए हैं बिजनेस से तो ये कैपिटल से माइनस होगा

चलिए बाय फॉर टुडे तो हैव अ गुड डे हेट टेक केयर